नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। एक एक बूंद को अपने भविष्य के लिए बचाना है जरूरी। विश्व जल दिवस पर उपायुक्त ने दिलाई अधिकारियों और कर्मचारियों को पानी बचाने की शपथ। देवसर के ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त दरबार, सौंपा ज्ञापन। विदास अकेडमी का हुआ शुभारंभ, आईआईटी नीट और फाउंडेशन कोर्सेज की दी जाएगी कोचिंग। संदिग्ध परिस्थिति में चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से गिरकर हुई युवक की मौत। सुरेश गुप्ता ने भेंट किए गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 कंप्यूटर। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को जिले में 5 एक्टिव केसेस के ठीक होने के बाद अब जिले में 11 एक्टिव केसेस बचे हैं। इस तरह से अब तक आए कुल 6,387 केसेस में से 6,231 ठीक हो चुके हैं और अब यहां लगातार सैंपल्स तो लिए ही जा रहे हैं, वैक्सीनेशन भी लगातार किया जा रहा है। सोमवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, जिसके चलते जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 11 हो गई, जबकि कुल 6,387 कोरोना पॉजिटिव में से 6,231 ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर सभी शहरवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। जल ही जीवन है और पानी के प्राकृतिक संसाधनों के कम होने के चलते हमें अपने भविष्य के लिए चिंतित होना चाहिए और जितना हो सके उतना पानी की बचत भी करनी चाहिए। कुछ ऐसा ही कहना था भिवानी के जिला उपायुक्त श्री जयवीर सिंह आर्य का और मौका था राष्ट्रीय जल दिवस का। इस अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अनेक विभागाधिकारियों को शपथ भी दिलवाई गई। राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पानी का संचयन करने और पानी के सदुपयोग की शपथ दिलवाई। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने संदेश में उपायुक्त ने कहा कि हमारे पास पानी के प्राकृतिक संसाधन बहुत कम हो गए हैं, ऐसे में हमें अपने भविष्य के लिए चिंतित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में जल जीवन मिशन के तहत जल संग्रह पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें जहां एक तरफ पानी संग्रह करने के लिए नए स्रोत का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नए तालाब भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल चलाए जा रहे अभियान को कैच द रेन नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि जन आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप देना है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपने आसपास परिवेश में भी लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक होने को कहा। मैं जल का समुचित उपयोग करूंगा तथा पानी हर एक बूंद का संचयन करूंगा और जल शक्ति अभियान कैच द रेन को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। और जल आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाएंगे और जो वाटर संरक्षण है, जो जल संरक्षण के बारे में कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, तो इस जो बारिश का पानी है इसका समुचित प्रयोग किया जाएगा और पानी की एक एक बूंद का संचयन करने के बारे में एक अभियान चलाया जाएगा पीपल पार्टिसिपेशन के लिए। इसमें आज सभी ग्राम सभा जल शपथ लेंगी। इसके लिए सब डिवीजन लेवल पर कमेटीज़ बनाई हैं, जिसमें अपना सब डिवीजन मजिस्ट्रेट उसके चेयरमैन होंगे और डीएसपी और सीनियर मेडिकल ऑफिसर उसके मेंबर होंगे। तो ये लुभारू में, तो शाम में शिवानी में और भिवानी में 4 कमेटीज़ बनाई गई हैं, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो 60 और उससे ऊपर के आयु के बुजुर्ग हैं उन सभी को वैक्सीन लगे, जो कोमोरबिडिटी के पेशेंट्स हैं उनको 45 साल से ऊपर हैं उनको वैक्सीन लगे, और सभी जो हमारे जो 5 जो डिपार्टमेंट्स हैं फ्रंट लाइन वर्क हेल्थ वर्कर्स हैं उन सभी को वैक्सीन लगे। इसके साथ साथ
जो टेस्टिंग है वो भी हमने 1500 से 2000 का टारगेट डेली का रखा है, और यहीं पर उस टेस्टिंग की लैब है, तो उनका डेली की टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास आती है। तो 1500 से 2000 टेस्टिंग हमने ये बढ़ानी है। उसके साथ साथ मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन से हाथ धोना, 2 गज की दूरी रखना, और उसके साथ साथ जो भी जो सोशल गैदरिंग है या मैरिज के फंक्शंस हैं, रिलीजियस फंक्शंस हैं, उनमें कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार अगर अंदर कोई फंक्शन है तो जितनी कैपेसिटी है उसका 50% लोग उसके अंदर आएं। नज़दीकी गांव देवशर में शमशान भूमि को दूसरी जगह बदलने में विवाद उत्पन्न हो गया है। इस बारे में ग्रामीण एक ज्ञापन ले जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाया कि खसरा नंबर 461 पर शमशान भूमि रजिस्टर्ड है, जिसे पंचायत बदलकर नई जगह ले जाना चाहती है। इस बारे में उन्होंने एक ज्ञापन भी जिला उपायुक्त को सौंपा। जिले के गांव देवसर के ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपील की कि गांव के शमशान घाट के खसरा नंबर 461 को दूसरी जगह न बदला जाए। ग्रामीणों ने उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाए कि गांव देवसर में खसरा नंबर 461 पर शमशान भूमि रजिस्टर्ड है, परंतु देवसर ग्राम पंचायत शमशान भूमि को खसरा नंबर 461 से बदलकर नई जगह पर बनाना चाहती है। उन्होंने बताया कि इस बारे में वे कई बार संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही। उन्होंने आरोप लगाए कि पंचायत ने गलत तरीके से प्रस्ताव भी पास कराया है। इस प्रस्ताव को भी रद्द किए जाने की मांग ग्रामीणों ने उपायुक्त से की। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। हम गांव देवसर से एक डेलीगेशन आया था उपायुक्त महोदय से मिलना था, लेकिन वो किसी काम से अचानक बाहर जाना पड़ गया उनको, तो उनके स्थान पर हम DDPO महोदय से मिले। हम गांव के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित शमशान भूमि के मामले से रिलेटेड बात करनी थी DDPO साहब से। हमने उनको बताया कि पंचायत ने एक इलीगल प्रस्ताव पास करके 461 नंबर को कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया गौशाला में, जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके शमशान भूमि बोलता है। तो DDPO साहब से हमने अपना विचार रखे, उन्होंने कहा कि आप सेक्शन 10A में दावा डालो और मैं इस प्रस्ताव को खारिज कर दूंगा। प्रस्ताव खारिज होने के बाद में हम 461 में अपना शमशान भूमि को डेवलप करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेके और उसमें विकास कार्य करवाएंगे, बड़ा बाउंड्री वॉल वगैरह जो भी है। तो नगर के चिड़ियाघर रोड पर IIT व JEE और नीट के लिए वेदाज नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में विस्तार से बताते हुए संचालकों ने कहा कि अब भिवानी के बच्चों को रोहतक, दिल्ली या हिसार जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें हर तरह की कोचिंग वेदाज पर दी जा सके। सोमवार को नगर में वेदाज एकेडमी का शुभारंभ किया गया। वेदनाम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित वेदाज एकेडमी में बच्चों को IIT, नीट और फाउंडेशन कोर्सेज की कोचिंग दी जाएगी। एकेडमी संचालक ने बताया, इस एकेडमी के बच्चों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी, वहीं साथ ही स्मार्ट लर्निंग के लिए वाईफाई की सुविधा भी छात्रों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर अकेडमी में CCTV भी लगवाए गए हैं। इस तरह की अकेडमी के शुभारंभ पर शहरवासियों ने भी खुशी जाहिर की। गुड मॉर्निंग टू ऑल द भिवानी पीपल, दैट माई सेल्फ डॉक्टर अशोक शर्मा एंड आई एम द एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ द वेदाज कोचिंग इंस्टीट्यूट। एंड वेदाज मीन्स बेसिकली वी मीन्स विजन, ई मीन्स एनलाइटनमेंट, एंड डी मीन्स डिवोशन, and A means ambition and Z means zeal basically. So that is the full form of the Vedas basically over here. ठीक है ना। और वेदास को खोलने के पीछे हमारा एक विज़न था, जो बहुत बड़ा विज़न था हमारी टीम का। सबसे पहला तो मेरा यही था कि हमारा विज़न जो है हमारे बच्चों के लिए, कि जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे भिवानी से बाहर LN या कोटा में पढ़ने के लिए, दिल्ली में, या जिनके पेरेंट्स घबराते थे बच्चों को बाहर भेजने के लिए, ठीक है ना, तो कुछ बच्चे अपनी एम्बिशंस मारकर वहीं पर ही रह जाते थे, उसी सिटी के अंदर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, और हायर एजुकेशन की तरफ वो बच्चा नहीं जा पाता था। ठीक है, तो इसी विज़न के साथ कि हमारा जो अच्छा बच्चा है जो बाहर नहीं जा सकता, वो क्यों ना हमारे सिटी के अंदर ही हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप करें कि वो बच्चा हमारे सेंटर पे यहीं पर आकर पढ़े और अपने एम्बिशंस को पूरा कर सके। अगर उसका सपना है MBBS बनने का तो वो MBBS बने, उसका सपना है अगर IIT में जाने का तो वो IIT में जाए, क्यों ना जाए। दूसरा बेटा, हमारा विज़न ये था यहाँ पर कि हमारे पास जो जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे, जो इतने मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते और इतना वो हायर इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस नहीं दे सकते, ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं वो हमारे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं वेदास के अंदर, जिनकी कोई फ़ीस नहीं होगी। ठीक है, 2 साल वो आराम से यहाँ पर पढ़े, कोई उनकी कोई फ़ीस नहीं है, पूरा स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे,
तो हम लोगों ने उन बच्चों के बारे में भी ये सोच के चले हैं कि हमारे गरीब तबका जो है उनकी भी किस तरह से मदद की जा सके हमारे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू भिवानी पीपल। आई एम इंजीनियर दीपक कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेदाज कोचिंग इंस्टीट्यूट भिवानी। लाइक डॉक्टर अशोक शर्मा ऑलरेडी सेड दैट वेदाज मीन्स विजन एंड ई मीन्स एनलाइटमेंट। डॉक्टर ऑलरेडी टॉक अबाउट द विजन, सो लेट मी स्टार्ट विद द एनलाइटमेंट, डिवोशन, एम्बिशन एंड जी। द फर्स्ट थिंग वी आर हेयर दैट वी आर टोटली डिवोटेड फॉर आर वर्क। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एनलाइटमेंट, द वर्ड एनलाइटमेंट मीन्स कि आपने अपने अंदर से क्या सीखा, क्या जाना। तो बच्चे के अंदर ये क्वालिटी डेवलप करने के लिए जो हमारी टीम है वो टोटली इस चीज़ के लिए हमेशा ईगर रही है और आगे भी ईगर रहेगी। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की क्वालिटीज़ की बात करूँ तो भिवानी के अंदर मेरे ख्याल से हमारा सबसे पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो फुल्ली एसी है, एयर कंडीशनड है। हम भिवानी के आसपास लगभग 30 किलोमीटर तक खुद का ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं। गर्ल चाइल्ड की सेफ्टी के पैरामीटर के हिसाब से हमने पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया हुआ है। बच्चों को एनलाइट करने के लिए और उनके अंदर सीखने की झील को बढ़ाने के लिए हमने टोटली इंस्टीट्यूट को वाईफाई कैंपस से लैस कर रखा है ताकि बच्चा एक स्मार्ट लर्निंग का एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ले सके। स्मार्ट लर्निंग के एक्सपीरियंस को देने के लिए इंस्टीट्यूट के अंदर स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी इम्प्लीमेंटेड है। एंड आई एम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, आई कैन टीच देम थ्रू स्मार्ट लर्निंग एंड स्मार्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन। आज बड़े हर्ष और विषय का दिन है कि भिवानी के अंदर एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट जो बच्चे नीट आईआईटी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए एक सौभाग्य का दिन है कि आज यहाँ एक इंस्टीट्यूट खुला है जिसका नाम वेदाज है, नाम से भी बेहतर है। और मैं तो, मेरा अपना खुद का बेटा भी यहीं पढ़ता है, तो मैं पूरी भिवानी नहीं आसपास के जितने भी एरियाज है उससे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आइए और वेदाज इंस्टीट्यूट का सर्वे करें, देखें, जाँचें, परखें। अच्छी फैकल्टी है और भिवानी के लिए सौभाग्य है कि शहर के अंदर एक अच्छा इंस्टीट्यूट जिसमें गरीब बच्चों के लिए भी बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरी टीम जो पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, उसको बधाई। और लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़े और भिवानी को एक नया मुकाम दे। एजुकेशन विल बी मस्ट, एजुकेशन इज द पावरफुल विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नगर के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल से एक युवक के चौथी मंजिल से गिर जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में गिरे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पता लगा है कि यह व्यक्ति कुछ दिन से अस्पताल में दाखिल था और उसे छुट्टी दे दी गई थी। छुट्टी के बाद ही यह हादसा घटित हुआ। भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबूलाल चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की चौथी मंजिल के वार्ड में दाखिल था। कुछ दिन पहले गली के कुछ लड़कों के साथ उसका झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े में उसे गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण बाबूलाल के परिजन उन्हें 18 मार्च को भिवानी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया था। आज सुबह डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में बाबूलाल हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से गिर गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एडमिट कराया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। 18 तारीख को इसका अपने पड़ोसी के साथ में झगड़ा हुआ था, जिसपे 19 तारीख को इनके बयान लिए गए थे। उसके बाद में अब जब ये अंडर ट्रीटमेंट थे, इसी दौरान आज डॉक्टर साहब ने इनको फिट होने के बाद में, क्योंकि इनके सारे टेस्ट वगैरह कम्प्लीट हो चुके थे, उसके बाद में इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद में अचानक बाद में इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ से ऊपर से गिरने से उनकी मृत्यु हो चुकी है बाबूलाल की। तो अभी तो ये अनुसंधान का विषय है कि कैसे गिरे और इसके पीछे कारण क्या था। ये 9 नंबर वार्ड के अंदर ऊपर 3 नंबर कमरे में एडमिट रहे हैं। पहले परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का भी बयान लेंगे और उसके बाद में जैसे बयान आएंगे उसके बाद में ही कुछ बाबूलाल खड़ीमोला का रहने वाला। नगर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को पूर्व कमिश्नर सुरेश गुप्ता ने 10 कंप्यूटर विद्यालय के छात्राओं के लिए दिए। उनका कहना था कि डिजिटल युग में आईटी और कंप्यूटर की नॉलेज और इसके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इस कमी को पूरा करते हुए 10 कंप्यूटर्स दिए गए हैं और भविष्य में विद्यालय में ही सिलाई सेंटर स्थापित किए जाने की योजना भी उनकी है।
बच्चों के सिलेबस में कंप्यूटर और आईटी जैसे सब्जेक्ट हैं, लेकिन कंप्यूटर न होने से छात्राएं प्रैक्टिकल नहीं कर पा रही थी। इसी के चलते स्कूल स्टाफ के पूर्व कमिश्नर रह चुके सुरेश गुप्ता ने राज्य के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को 10 कंप्यूटर भेंट किए। स्कूल प्रिंसिपल किरण गिल ने बताया कि सुरेश गुप्ता रिटायर्ड कमिश्नर हैं और स्कूल प्रशासन ने उनसे अपील की थी कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से छात्राएं जिनके लिए स्कूल में कंप्यूटर की कमी है, इसी के चलते उन्होंने 10 कंप्यूटर भेंट किए। साथ ही विद्यालय में सिलाई सेंटर की स्थापना की भी घोषणा की। आज श्री सुरेश गुप्ता जी रिटायर्ड कमिश्नर जो रोटरी क्लब से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर श्री राजीव शर्मा जी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वह हमारे विद्यालय में बहुत ही गरीब परिवारों से छात्र आते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं है स्कूल में, तो उन्हें हमारी एक रिक्वेस्ट पर उन्होंने 10 कंप्यूटर भेजे स्कूल के लिए और उन्होंने बोला कि अभी इनसे करो और हम आगे और भी कंप्यूटर भेज दूंगा। तो ये बहुत ही हम तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहते हैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं, और जिन्होंने अपनी धरती से जुड़े हुए भिवानी से जुड़े हुए हैं रहते दिल्ली हैं और भिवानी की बच्चियों के बारे में उन्होंने इतना सोचा और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भाई हम आपके यहाँ सिलाई मशीन का भी ट्रेनिंग चलाएँगे और इससे हमारे बच्चे बहुत ही प्रोत्साहित हुए और बच्चों को कंप्यूटर अगर नहीं है तो हमारे पास आईसीटी है, कंप्यूटर है, बच्चों के पास जब तक प्रैक्टिकल रूप में कंप्यूटर नहीं थे तो बच्चे प्रॉपर वे से सीख नहीं पा रहे थे। मौसम में बदलाव के साथ साथ गर्मी से तो लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। हल्की बूंदाबांदी के चलते जब इस बारे में किसान भाइयों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गेहूं और सरसों की फसल के लिए यह बरसात अत्यधिक नुकसानदायक साबित होगी। नगर में बूंदाबांदी होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान होगा। किसानों ने बताया आज बारिश होने से गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान है, क्योंकि सरसों की फसल तैयार खड़ी है जिसकी कटाई भी जारी है और बिक्री भी शुरू हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि बारिश होने से गेहूं की फसल को भी काफ़ी नुकसान होगा, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल पककर तैयार है, वे हर फसल के लिए रुपयों के साथ साथ मेहनत भी देते हैं, वे हर फसल को बच्चों की तरह पालते हैं और अगर ज़्यादा बारिश है तो इसका सीधा बोझ किसानों की जेब पर ही पड़ेगा। फसल कटाई पे है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, बारिश का बिल्कुल कोई फायदा नहीं, मेरा नुकसान है जो फसल कटाई पक्की तैयार है बिल्कुल। तो कौन कौन की फसल कटाई पर फिलहाल? सरसों की तो बिल्कुल काटन लाग रहे हैं, कटबिली बिल्कुल थोड़ी बहुत रह रही है, बाकी कटली सरसों और गेहूँ की पक्की तैयार हो रही है, बारिश की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है जिसमें। नगर के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिला परियोजना संयोजक भिवानी की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस एग्जीबिशन में जिले के करीब 140 विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। सोमवार को नगर के राज्य के संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का शानदार आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस प्रदर्शनी में जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शौरान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने विज्ञान संबंधी स्किट, पेंटिंग, मॉडल्स और TLM का शानदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया, वहीं साथ ही प्रतिभागी विद्यालयों को भी 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। प्रदर्शनी का समापन DEO राम अवतार शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला परियोजना अधिकारी नरेश मेहता और सहायक परियोजना अधिकारी परमेश्वर शर्मा भी वहां मौजूद रहे। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का साइंस एग्जीबिशन है जिसमें वर्किंग मॉडल हमारे सभी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं साइंस टीचर की हेल्प या लेक्चरर्स की हेल्प से आज यहाँ पे डेमो कर रहे हैं और इसमें कुछ एक मॉडल तो इतने अच्छे हैं कि इनको हम प्रशासन से मिलके हायर अथॉरिटी को भेजेंगे कि उनके ऊपर बड़े लेवल पे काम हो जिससे कि आम पब्लिक को फ़ायदा मिल सके। बहुत सारी बीमारियों का या जो आने वाले समय में पोल्यूशन को लेके या दूसरे जो समस्याएं हैं जो मासिस को अफेक्ट करती हैं उनके समाधान के लिए भी साइंस को कहीं कहीं यूज़ किया गया है, तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा है कि हमारे नन्हे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे वर्किंग मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत किए। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का साइंस एग्जीबिशन है और उसमें इस बार हमने इको फ्रेंडली थीम लिया है और इसमें बच्चों के साथ साथ अध्यापकों को भी जो हमने शामिल किया है पार्टिसिपेट करवाया है और इसमें इनोवेशन और इम्प्रोवाइजेशन का समावेश करवाया गया है कि इस साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चे आपस में एक दूसरे से अपने अपने विचार शेयर करें, अपने मॉडल शेयर करें, क्योंकि हमने सभी जितने भी हैं मॉडल्स वर्किंग बनवाए हैं और उसी के साथ एक हमने क्वेश्चन ट्री का प्रावधान किया है कि कोई भी बच्चा या कोई भी अध्यापक अपना कोई उसकी क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो प्रश्न क्वेश्चन ट्री के माध्यम से वो यहाँ पर पूछ सकता है, उसकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा
और यही बच्चे फिर आगे वापस स्कूलों में जाकर और बच्चों को भी जो है इस बारे में प्रेरित करेंगे कि हमारे जो वर्किंग मॉडल्स हैं कैसे उनको हम डेली लाइफ में यूज़ करें, इस पर्पज़ के लिए ये साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है। सड़क हादसों में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भिवानी से चरखे दादरी जा रहे दो युवकों की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव हालुवास के निकट यह हादसा हुआ, जिसमें मौके पर ही युवकों की मौत हो गई। शवों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। भिवानी से चरखी दादरी जा रहे दो युवकों की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों युवक किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे और उसके बाद वे वापस अपने घर जा रहे थे। हालुवास के निकट किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मुकद्दर और प्रदीप की मौके पर मौत हो गई। मुकद्दर की उम्र 32 वर्ष है, जिसका विवाह 1 साल पहले हुआ था, और प्रदीप की उम्र 22 वर्ष बताई गई, जो कि अविवाहित था। जांच अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये कल दो लड़के दादरी से बदवाना गेट से हैं, कबीर बस्ती से, और ये भिवानी कन्यादान डालने के लिए आए थे। बुलट मोटरसाइकिल थी इनके पास और कन्यादान डालकर वापस दादरी की तरफ जा रहे थे, तो कोई अज्ञात वाहन इन दोनों को टक्कर मार गया और दौरान मौके पर इन दोनों की मौत हो गई। एक का नाम है मुकद्दर है और दूसरे का प्रदीप कुमार, दोनों वाल्मीकि बस्ती के हैं, कबीर बस्ती के दादरी से। पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षाएं ऑफलाइन होगी, जबकि तीसरी से आठवीं की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। यह कहना था जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामावतार शर्मा का। उन्होंने बताया कि 26 मार्च से शुरू होकर 15 अप्रैल तक खत्म होने वाली इन परीक्षाओं में कोरोना के नियमों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए डीओ ने बताया कि पहली से आठवीं कक्षा की परीक्षा 26 मार्च को शुरू होगी, 15 अप्रैल को खत्म होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, जबकि कक्षा 3 से 8 तक की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते सभी स्कूलों में आदेश दिए गए हैं कि परिसर को सैनिटाइज कराया जाए, बच्चों को साबुन से हाथ धुलाया जाए और मास्क लगाना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही 2 गज की दूरी रखना भी आवश्यक बताया गया। पहली से आठवीं की परीक्षाएं 26 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं और 15 अप्रैल तक चलेंगी। कक्षा 1 और 2 की ऑफलाइन होंगी परीक्षाएं और कक्षा 3 से 8 की यह अवसर ऐप के ऊपर होनी है। कोरोना को देखते हुए सभी हेड्स को हमने इंस्ट्रक्शन जारी कर रखी हैं कि स्कूल में सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से बार बार बच्चों के हाथ धुलाएं, थोड़ा डिस्टेंसिंग के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बच्चों को बिठाएं। नगर के समाज सेवी संगठन समाज कल्याण परिषद द्वारा रविवार को स्थानीय निकिराम सभागार में समाज समन्वय सम्मेलन और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने शिरकत की। वहीं नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी यहां पहुंचकर अपने विचार साझा किए। सामाजिक संगठन समाज कल्याण परिषद द्वारा पंडित नेकीराम सभागार में समाज को जोड़ने, प्रेम प्यार व भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए समाज समन्वय सम्मेलन एवं होली मंगल मिलन तथा भारत माता वंदना का विमोचन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सदस्य जनरल डीपी वत्स ने शिरकत की। संयोजक एवं अध्यक्ष पंडित मनोज पाटनिया ने बताया कि आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य आपसी भाईचारा स्थापित करना, आपसी तालमेल द्वारा सबको साथ लेकर चलना है। रंगों का प्रतीक त्योहार होली चंदन व रोली का तिलक लगाकर मनाया गया और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी गई। राष्ट्र समर्पित विचारधारा से ओतप्रोत संगठन अध्यक्ष पंडित मनोज पाटनिया द्वारा रचित भारत माता वंदना का विमोचन भी शानदार रहा। वहीं इस अवसर पर नगर के अनेक व्यक्तियों ने शिरकत की और अपने विचार साझा किए। समाज कल्याण परिषद एक सामाजिक संगठन है और इस सामाजिक संगठन की तरफ से हमने समाज समन्वय सम्मेलन समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का कार्य किया है। समाज समन्वय सम्मेलन, होली मंगल मिलन तथा भारत माता वंदना का विमोचन कार्यक्रम हमने आज रखा हुआ था। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं राज्यसभा सदस्य अटल अजीज जनरल डीपी वत्स जी और विशिष्ट अतिथि हमारे सामाजिक समाज सेवी तोसाम के सरपंच देवराम जी तोसामिया, सीडीएम साहब आ रहे हैं हमारे, डीसी साहब को आना था लेकिन सीएम साहब के साथ मीटिंग में होने की वजह से, कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में होने की वजह से वो सीडीएम साहब आ रहे हैं। आज हमारा ये सम्मेलन यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जनरल साहब का, जिन्होंने अपना समय निकाल कर हमारी संस्था को, हमारे शहर के लोगों को इस समय दिया, और भारतीय जनता पार्टी के राहुल शर्मा जी युवा जिला अध्यक्ष
ये हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। हम अपने सभी सदस्यों का, सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। समाज कल्याण परिषद जो इन्होंने एक एनजीओ बनाया है, उसको जो समाज में समन्वय कायम करने के लिए होली मिलन समारोह पे ये जो आज फंक्शन किया है, इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। आज कल खासकर जो जाति पाति का जहर फैला हुआ है समाज में, उसको दूर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। खासकर जो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम, क्योंकि पॉलिटिशियन की मजबूरी होती है या कुछ भी कहो, उसने वोट बैंक के लिए काफ़ी कुछ बोलना पड़ता है। नगर के महम रोड पर स्थित राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी महिलाओं की शिक्षा सहित अनेकों सामाजिक कार्य भी करती रही है। एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाच ने बताया कि महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने फ्री कोचिंग की सुविधा भी दी है और विशेष रूप से पुलिस और बेल्ट की नौकरी के लिए महिलाओं के लिए फ्री फिजिकल कोचिंग दी जा रही है। राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाच ने बताया कि वह महिलाओं की शिक्षा को लेकर लगातार समाज में अनेकों कार्य करती रही है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी कोचिंग एकेडमी के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दी है एवं उन्हें दिल्ली पुलिस व बेल्ट की नौकरी करने के लिए फ्री फिजिकल की कोचिंग दी जाती है, ताकि महिलाएं शैक्षणिक व शारीरिक रूप से अपना विकास कर सके। वहीं उन्होंने बताया कि इस कोचिंग एकेडमी में केवल लड़कियां ही कोचिंग ले सकती हैं, जिससे लड़कियों को फिजिकल व शिक्षा में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मैं अमिता सिवाच, डायरेक्टर ऑफ राधा कृष्ण कोचिंग अकेडमी, मैं अपने भिवानी वासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि हम अपनी कोचिंग अकेडमी में लड़कियों को फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री कोचिंग के साथ साथ लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज जैसे पुलिस भर्ती के लिए रनिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ आएँ और यहाँ आकर कोचिंग की सुविधा ले सकती हैं। वहीं कोचिंग एकेडमी की लड़कियों ने बताया कि कोचिंग एकेडमी के माध्यम से उन्हें बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी जाती है, साथ ही केवल लड़कियां होने की वजह से उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग करने में कोई झिझक नहीं होती। आराम से करोगे तो आराम से, आराम से, आराम से। मेरा नाम रजनी है, मैं चांग से बिलोंग करती हूँ और अब मैं एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी एकेडमी का नाम है राधा कृष्ण एकेडमी, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है। यहाँ पे मुझे, मेरे अंदर यहाँ आके कॉन्फिडेंस आया है कि मतलब गर्ल्स के अंदर, हमारे अंदर एक झिझक रहती है कि हम लड़कों के बीच में अपना एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी वो झिझक खत्म हो गई है। और जैसे कि अब हमारा एक रूटीन टेस्ट होता है वीक में एक बार, जो कि अभी हम टेस्ट दे के आए हैं एंड उसके बाद सर हमें यहाँ पे लेके आए हैं बिकॉज ऑफ आवर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, जो हमारी वो चेक होएगी और उसके बाद जो कमी रहती है वो सर हमारा कंप्लीट कराने में। मैं राधा कृष्ण अकेडमी में जाती हूँ, यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये सिर्फ एक तो लड़कियों के लिए, और मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पे भेज के बहुत ही संतुष्ट हैं क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो हम आराम से कर सकते हैं। लड़कों के बीच में हमें झिझक होती है थोड़ी, तो अभी वो नहीं है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है और अभी हम रिटन टेस्ट भी दे के आई हैं जिससे हमारी स्टडी अच्छी हो रही है और हमें ये पता चलेगा हमें आगे और कितना करना है। और यहाँ पे अभी सर हमें फिजिकल के लिए लेके आए हैं, हमारी यहाँ पे रनिंग होगी तो उससे ये भी पता चल जाएगा हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है और हमें अभी कितनी मेहनत करनी है। और मैं राधा कृष्ण अकेडमी में पढ़ती हूँ, मतलब हमारे गांव में स्टेडियम है लेकिन कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे अकेली गर्ल्स प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि सेपरेट करते बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ करते हैं तो वहाँ पे हम अकेले नहीं कर सकते प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पे आने के बाद है ना सर हमारे मतलब फिजिकल की तैयारी भी करवा रहे हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मतलब हम आगे जाके जब हम भर्ती की तैयारी करेंगे तो उसमें हम अपना अच्छा दे सकेंगे। हमने अभी ज्वाइन किया है कुछ ही टाइम पहले, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इतना अच्छा अनुभव किया है शायद ही हम किसी और कोचिंग सेंटर में ऐसा अनुभव कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है क्योंकि सबसे बड़ी बात हो मैडम ने यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया है और जहाँ तक मैं जानती हूँ अदर कोचिंग सेंटर्स में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देने के बावजूद भी हम वो चीज़ नहीं गेन कर पाते जो हम यहाँ गेन करते हैं। जो सिवाच मैम का जो एक नॉलेज है वो ब्रिलियंट है, अगर हम उनसे एक क्वेश्चन रेज करते हैं तो वो उसके बदले में हमें 10 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो है वो बताती हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। हर टीचर यहाँ पर इतना अच्छा वेल एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस्ड है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। एक एक
बूंद को अपने भविष्य के लिए बचाना है जरूरी। विश्व जल दिवस पर उपायुक्त ने दिलाई अधिकारी और कर्मचारियों को पानी बचाने की शपथ। देवसर के ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त दरबार, सौंपा ज्ञापन। विदास अकेडमी का हुआ शुभारंभ, आईआईटी नीट और फाउंडेशन कोर्सेज की दी जाएगी कोचिंग। संदिग्ध परिस्थितियों में चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से गिरकर हुई युवक की मौत। सुरेश गुप्ता ने भेंट किए गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 कंप्यूटर। हमारे संग बस इतना ही, अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।